अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ नो फेल आलू के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे अब हर कोई आसानी से बेल सकता है। ना ही पराठे फटेंगे और ना ही मिक्सचर स्टिकी बनेगा। बस एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालकर नो फेल फुल स्टफिंग पराठा रेडी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम सा डो रेडी करेंगे। डो ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम बनाएंगे, मीडियम सा डो रेडी करेंगे। तो डो रेडी हो गया है। अब इस पर थोड़ा सी ऑयल लगाएंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए रखेंगे। तो जब तक हम स्टफिंग रेडी करेंगे, तो यहाँ मैंने 1/2 किलो बॉयल्ड आलू लिए हैं और इसका छिलटा निकाल लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून मोटा पिसा हुआ भुना हुआ जीरा डालेंगे, 1 टेबल स्पून भुना हुआ मोटा पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1/4 कप ब्रेड क्रम डालेंगे। तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स यही है। अभी इसका मैं 1/2 ब्रेड क्रम डाल रही हूँ और 1/2 रख देंगे, आगे ज़रूरत होगी तो डालेंगे। 1/2 कप भरकर हरा धनिया डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमने ब्रेड क्रम्स इसीलिए डाला है ताकि आलू में कभी मॉइस्चर रहे तो ये एब्जॉर्ब कर लें। और कभी कभी हम ब्रेकफास्ट के लिए स्टफिंग रात में ही रेडी करते हैं और जब हम इसे सुबह निकालते हैं तो फ्रिज में रखने से इसमें मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से पराठे फट जाते हैं। तो हमें ये करना है कि जब भी हम फ्रिज में से स्टफिंग निकालें तो इसमें ब्रेड क्रम मिक्स कर लेंगे, जिसकी वजह से इसका मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा और नो फेल हमारे आलू पराठे रेडी कर लेंगे। या कभी कभी कोई आलू में ही मॉइस्चर होता है, जैसे मैंने इस वीडियो में आलू लिया है, तो इस वक्त भी ब्रेड क्रम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्टफिंग स्टिकी नहीं बनती है और हम इसे आसानी से बेल सकते हैं। तो बाकी भी ब्रेड क्रम्स मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए आलू का मिक्सचर मेरे हाथों में चिपक नहीं रहा है। तो आटा भी रेडी हो गया है। अब थोड़ा सी आटा लेंगे और इसे अच्छी तरह से राउंड करेंगे। हम स्टफिंग और आटा दोनों भी सेम क्वांटिटी में लेंगे। इसी तरह आप बाकी की भी रेडी कर सकते हैं। अब इसे हाथों से राउंड करते हुए शेप देंगे। आप इसे बेलकर भी शेप दे सकते हैं। इसका पूरी जितना साइज रखेंगे। अब जितना क्वांटिटी का हमने आटा लिया था उतना ही स्टफिंग डालेंगे। अब इसे हाथ में ले लेंगे और स्टफिंग को हल्के हाथ से अंदर दबाएंगे और डो के कॉर्नर को ऊपर ले लेंगे। इसी तरह दबाते हुए कॉर्नर्स ऊपर आ जाएंगे। अब कॉर्नर्स को मिलाकर फोल्ड कर लेंगे, अच्छी तरह से दबाएंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। अब इस पर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और इसे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए फैलाएंगे। अब इसे थोड़ा बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे। तो पराठे को मैंने बेल लिया है। अब इसे एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह बाकी पराठे भी बेल कर रख लेंगे। तो पराठों को सेक लेंगे। तवे को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ही पराठा डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर इस पर बबल्स आने के बाद इसे टर्न कर लेंगे। 30 सेकेंड तक इसे इस साइड ही रहने देंगे। अब इस पर ऑयल, बटर या घी लगाएंगे। मैं यहाँ ऑयल लगा रही हूँ, आप घी या बटर भी लगा सकते हैं। अब इसे टर्न कर लेंगे और इस साइड इसे सेकेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा टर्न करते हुए इसे सेकेंगे। पराठे देखिए अच्छी तरह से फूल रहे हैं। पराठों को टोटल 2 से 3 मिनट लगते हैं सेकने के लिए। तो लीजिए पराठा रेडी हो गया है। इसी तरह बाकी के पराठे भी रेडी कर लीजिए। तो देखा ना आपने, हमने इसे कितनी आसानी से बेलकर बनाया है और वो भी बिना टूटे हुए। आप इसे श्रीखंड या दही के साथ सर्व कीजिए। इन दोनों के साथ ये और भी टेस्टी लगता है। तो अब से नो फेल आलू का पराठा रेडी करिए और नाश्ते में इसे गरम गरम खाइए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा।
और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।